हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का वीडियो है हमारा बिगनर डांस मिस्टेक्स पर। यदि आप भी बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जो कि है मिस्टेक्स पर, जो कि हम स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स करते हैं और वो मिस्टेक्स को आप भी ना करो, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो आप ना करो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर फर्स्ट से। तो हमारी टिप नंबर फर्स्ट है स्टेमिना। तो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है डांस के अंदर। यदि आप डांस करते हो तो आपको स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप लॉन्ग पीरियड में डांस करना चाहते हो, आप लंबे लंबे सॉन्ग्स पर डांस करना चाहते हो, तो आपको स्टेमिना इंक्रीज करना होगा। स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। आप योगा का यूज़ कर सकते हो, जंप रोप का यूज़ कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी टेक्निक आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, जो कि जिससे कि आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं वो स्टेमिना पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ डांस मूव और डांस स्टाइल पर ध्यान देते हैं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आज से ही स्टेमिना की प्रैक्टिस कीजिए, अपना स्टेमिना को बूस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको फ़ायदेमंद होगा जब आप लॉन्ग पीरियड में डांस करोगे या फिर आपके जो डांस रिहर्सल है उसमें आपको ये फ़ायदा देगा। साथ ही साथ आप बैटल में या फिर स्टेज पर डांस परफॉर्म करोगे तो आपको स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होगी। और यदि आप ये नहीं चाहते कि आप डांस करते हुए बीच में रुक जाओ, तो प्लीज़ आज से ही स्टेमिना की इस टिप्स को फॉलो कीजिए। हमारी टिप नंबर सेकेंड है, वो बेस्ड है फ्लेक्सिबिलिटी पर। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट तो है, ये सब जानते ही हैं डांस के अंदर। तो बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ डांस मूव में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लग रही है उस पर ध्यान देते हैं। तो आपको ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान देना होगा, वो चाहे आपकी हैंड की फ्लेक्सिबिलिटी हो या लेग की फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपको ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। यदि आप इसे इंक्रीज कर लेते हो तो आप कोई सी भी डांस फॉर्म को इजीली सीख पाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट चीज़ है वो है योगा। योगा आप करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी, और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी से आप कोई सी भी डांस स्टाइल को इजीली कर पाओगे, क्योंकि हर डांस स्टाइल में कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। आप चाहे पॉपिंग करते हो या चाहे कंटेम्प्रेरी करते हो, किसी भी डांस स्टाइल में आप देखोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो दिख जाएगी। तो आज से ही फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कीजिए, जो कि बेस्ट है बैलेंस पर या फिर बॉडी कंट्रोल। तो सबसे पहले आपको बॉडी को कंट्रोल करना होगा यदि आप एक अच्छे डांसर बनना चाहते हो। यदि आप टॉप लेवल के डांसर्स को देखोगे तो उनके अंदर जो बॉडी कंट्रोल है वही उन्हें खास बनाता है। जो बिगनर्स होते हैं उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो बिगनर्स होते हैं। और जो एडवांस या जो प्रो लेवल के डांसर होते हैं उनके बॉडी कंट्रोल और बॉडी बैलेंस के ही कारण वो इतनी हाई लेवल पर पहुंचते हैं। तो आज से ही इस बॉडी कंट्रोल और बॉडी बैलेंस पर ध्यान दीजिए, इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज कीजिए। आप चाहे जिम कर सकते हैं या फिर योगा में भी बहुत सारी ऐसी बॉडी की एक्सरसाइज है। कैलिस्थेनिक्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आपको बॉडी का कंट्रोल चाहिए तो सबसे पहले आपको इस बॉडी के कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। जो बिगनर की मिस्टेक्स है वो सबसे बड़ी यही है कि हम बॉडी को कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ डांस मूव सीखना चाहते हैं। आप बॉडी को कंट्रोल कीजिए और बॉडी को कंट्रोल करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपने कितना इंप्रूव किया है अपने डांस के अंदर। तो आज से ही इस टिप को फॉलो कीजिए और अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, बॉडी कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए। हमारी टिप नंबर फोर्थ है, वो बेस्ड है वार्म अप पे। तो गाइस, वार्म अप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर पे यूट्यूब से डांस सीख रहे हो तो भी, और यदि आप डांस क्लास में जाते हो तो भी, इसे स्किप ना करिए, क्योंकि वार्म अप जो है वो आपकी बॉडी को हीटअप करेगा। और जब वो हीटअप हो जाती है हमारी बॉडी, तो हमारी जो इंजरीज के चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो आप चाहते हो कि आपको इंजरी नहीं हो तो प्लीज़ आज से ही वार्म अप करना स्टार्ट कीजिए। वार्म अप का जो शेड्यूल है उसको स्किप नहीं कीजिए। मैंने बहुत सारी बार देखा है जब मैं बोन ब्रेकिंग करता हूँ, और जब मैं वार्म अप करके बोन ब्रेकिंग करता हूँ तो जो बोन ब्रेकिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाती है, और वो हीट के कारण जो हमारी मसल्स है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। तो वार्म अप आपको करना होगा यदि आप भी चाहते हो अपनी इंजरी से बचना चाहते हो, तो आज से ही वार्म अप को अपने शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वार्म अप से आप इजीली एक अच्छे डांसर बन पाओगे। तो हमारी फिफ्थ टिप है लर्निंग एटीट्यूड। इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग से ही लर्निंग एटीट्यूड के साथ डांस सीखना होगा। आप चाहे बिगनर हो, एडवांस हो, ये जो टिप है वो सबके लिए ही एप्लीकेबल है, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा सिखा सकता है यदि हम सीखने की चाह रखें तो। तो सीखने के लिए आपको ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा। तो ये जेंडर इक्वेलिटी सब चीज़ें भूल जाइए, आपको सिर्फ सीखना है और सिर्फ सीखना है। यदि आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हो तो प्लीज़ इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ के कारण भी नहीं सीख पाते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे साथ छोटा है, मैं ऐसे सारे कैसे बोलूंगा। हो सकता है फीमेल से बहुत सारे लोगों को सीखने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास टैलेंट है उसे सीखना चाहिए, वो चाहे फीमेल हो मेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मेन फोकस है वो होना चाहिए सीखने पर। तो यही हमारी लास्ट टिप थी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि कोई प्रॉब्लम हो डांस में, या फिर आपको हमारे कुछ वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो, तो हमें कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का एक हिस्सा बनिए, इसे ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे टिप्स, कॉम्बोज, डांस ट्यूटोरियल्स आपके लिए ला पाएँ। तो प्लीज़ इसे ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।